जेडी सी ने ही हमें इस चीज़ पे दोबारा कम अज़ कम मेरी टीम को फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं उसको उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे मीडिया के सामने कि उस बंदे की काविश थी कि उसने ऐसा काम किया और उसके अलावा उसने हमें ये सब को मोटिवेट किया। जो पहली आपने देखी होगी वीडियो जो आई थी वो हमारी तरफ से आई थी जब हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन की और अल्लाह का शुक्र है उसके पीछे पीछे फिर सारा निज़ाम चलना शुरू हुआ। और मुझे फ़ख्र है अपनी टीम पे, जिस तरह अभी ये मेरे भाई है एडी मलिक, इसने भी बड़ा काम किया 10-15 दिन से, ये नवाई इलाकों में भी जाता रहा और तरह के इन्होंने काम किए, जगह हर बंदे से मिले, जिस जगह जो ज़रूरत थी हमारी टीम नेटवर्क हमने ऐसा फैला दिया है कि जिस जगह ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पे हमें लोग हमें आवाज़ देते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, द मेमन टीवी लाहौर वाले, कराची वाले, हम सब ने मिल के एक बड़ा फंड इकट्ठा किया जिसमें मुझे पर्सनली कलेक्शन 25 करोड़ रुपए की हुई थी माशाल्लाह। और वो माशाल्लाह जफर जेडीसी की बड़ी सपोर्ट रही। उसके बाद हमने जब खुद भेजना सामान शुरू किया तो ये था थोड़ा मिसमैनेज हो रहा था। फिर हमें सपोर्ट की पीएफ ने, एवीएम है पीएफ के, उन्होंने कहा कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर उनको हमने माशाल्लाह 2 दिन पहले 25,000 राशन का बोरा दिया है। फिर हमारी डीजी रेंजर साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, जेडीसी के साथ मिलके ये हम नेक्स्ट जो जा रहे हैं उसमें 50,000 राशन के बोरे जो हैं वो डीजी रेंजर साहब को दे रहे हैं कि रेंजर्स के थ्रू जाएँ। और फिर 5 कोर वालों को भी हम इंशाल्लाह, हमारा टारगेट है कि 1,00,000 राशन का पैकेट उन लोगों तक हम पहुँचाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेडीसी जिंदाबाद, जफर भाई जिंदाबाद। अभी जो है वो जो खैरपुर नाथन शाह में जेडीसी की जानिब से राशन हुआ आया हुआ था, अभी वो डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है मुख्तलिफ देहातों में। अभी हम छप्पर खान गाड़ी में जा रहे हैं जहाँ पे तकरीबन हम 50 से ज़ायद जो है वो बैग वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मेरे साथ जो है वो देहात के लोग भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे इतना के कितना पानी है यहाँ पर, जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं, जो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, इनके पास जेडीसी के तावन से हम जा रहे हैं राशन लेकर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेडीसी की जानिब से आज जो हमने यहाँ पे राशन लेकर आए हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। आप देखते हैं कि बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और अपने गांव में जो है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। पहला राशन जेडीसी की जानिब से ही यहाँ पर पहुँचा है और कोई भी इनका, यानी कि अभी तक इनके पास गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी इनके पास नहीं आया। जेडीसी जिंदाबाद, जफर भाई जिंदाबाद। और ये लोग मददगार बैठे हुए थे, अभी इनके पास राशन आया है, आप देख सकते हैं कि इनको शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।